क्या गुफाओं में साधना करने से परमात्मा मिलता है? क्या भूखा रहने से पूर्ण मोक्ष मिलता है? क्या सिद्धियां प्राप्त कर लेने से पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति या पूर्ण मोक्ष मिल सकता है? नहीं, क्योंकि ये साधना शास्त्र के विरुद्ध है। इन साधनाओं से कुछ शक्तियां तो प्राप्त हो सकती है, कुछ सिद्धियां भी मिल सकती है, लेकिन पूर्ण मोक्ष नहीं मिल सकता। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए, पूर्ण मोक्ष के लिए इस तरह की घातक साधनाएं व्यर्थ का प्रयास है। कुछ ऐसी ही आप बीती है ग्वालियर मध्य प्रदेश के एक बाबा जी की, जो गुफाओं में रहकर वर्षों तक साधना करते रहे। मेरे बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े जटा थे, तो मैंने कहा ठीक है, तो तपस्या में लग गया। मैंने खाना पीना भी बंद कर दिया। 5-6 साल मैंने कोई अन्न आहार नहीं किया, केवल कोई फल फ्रूट आ जाता था तो खा लेता था, और कभी कभार आलू वगैरह आ जाते थे तो उसे भूंज करके खा के और गुफा में घुस जाता था। इन साधु बाबा जी के भीतर इतनी सिद्धियां आने लगी थी, अपनी दिव्य दृष्टि से अपने पास आने वाले व्यक्ति को देख लेते थे। 5 साल तक जब मैं साधना करता रहा तो एक सिद्धि सी प्राप्त हो गई मेरे अंदर। इतना मैं देख लेता था कि जब कोई मेरी गुफा की तरफ आता था तो मैं उसको देख लाता था 1-2 किलोमीटर दूर से, कि कोई मेरी तरफ आ रहा है। और लेकिन फिर एक दिन इन्हें किसी अज्ञात शक्ति ने प्रकट होकर बताया कि इन सिद्धियों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसके लिए किसी सच्चे गुरु की तलाश कर। तपस्या करते करते एक दिन क्या है, मेरे को एक व्हाइट कलर का प्रकाश नजर आया और उसमें से आवाज आ रही थी। मेरे को जी नहीं दिखा, उसकी बॉडी दिखी नहीं कि कौन है, मेरे को केवल आवाज आ रही थी कि बेटा अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये तेरे को सिद्धि साधनी लग गई, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बोले अगर मोक्ष की गति चाहते हो तो इसके लिए कोई सच्चे गुरु की तलाश आपको करना पड़ेगी, और नहीं तो ऐसे ही भटका खाते रहोगे आप। और फिर ये बाबा जी निकल पड़े सच्चे गुरु की तलाश। मेरे सामने वो महात्मा मिलता तो मैं वो महात्मा 18 और मैं 25, इतना फर्क मेरे को उसमें दिखता था। तो मैंने कहा कि अब इनको गुरु में क्या बनाऊं, कि ये तो मेरे से वैसे ही बहुत कमजोर है। ये बने जरूर है मठाधीश थे, बड़े बड़े जटा जूट रखा रखे थे उन्होंने, बड़े बड़े आश्रम पे पैसा वाले भी थे, पर भक्ति उक्ति कुछ नहीं थी उनके पास। जब मैं उनको अपनी आंख से देखता था तो उसमें कुछ नहीं था, केवल पैसा था उनके अंदर। मैंने कहा भाई ऐसे सच्चे गुरु की तलाश के लिए मैं जा रहा हूँ, कि जिसके पास शब्द होए वो शब्द लेने जा रहा हूँ मैं, जिससे भक्ति साधना करके अपनी मोक्ष की गति पा सकूँ। तो वो बोले कि मथुरा में जाकर पहुंचे, वहाँ जो वहाँ के जो प्रचारक थे, क्या नाम है, तुलसीदास जी महाराज, जय गुरुदेव जी ने जो बताई थी उससे कोई लाभ नहीं हुआ। सारे प्रयास करने के बाद भी जब इन बाबा जी को लगा कि अब मुझे परमात्मा नहीं मिलेगा, तो उन्होंने अपने आप को खत्म करने की ठान ली, क्योंकि इन बाबा जी के पास इतनी शक्ति थी कि ये अपने शरीर से अपनी आत्मा को बाहर करने की सिद्धि भी जानते थे। ऐसा ही लगा मेरे को, इससे तो भाई मरना ठीक है कि परमात्मा मिले नहीं। पूरी जिंदगी मैंने इसी में निकाल दी, पहले बैरागी बना है, त्यागी बना, अखाड़ों में गया, सारी जगह घूम का मैं आके मैंने सब मरना ठीक है। और जब मैंने सीख ही लिया था थोड़ा साधना में कि बॉडी मेरी कई गुफा में पड़ी रहेगी और मैं अपना देश से निकल जाऊंगा, भगवान फिर मिलेगा कभी न कभी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं प्रकट होकर इन्हें कुछ ऐसे संकेत दिए कि बाबा जी को लगा कि जैसे इन्हें परमात्मा ही मिल गया। उसी रात को मेरे को संत रामपाल जी महाराज एक विमान टाप के में बैठ करके और आकाश मार्ग से आते हुए नजर आए। उसका एक कैमरामैन एक साथ में बैठा था, एक कैमरामैन एक साथ में, दो कैमरामैन बैठे थे और बीच में जो संत रामपाल जी महाराज बैठे थे। तो ऐसे हाथ कर रहे थे, ऐसे हाथ वो करें तो जनता ऑटोमेटिक धरती से उड़ उड़ के और ऊपर की तरफ जा रही थी और सतगुरु के जयकारे लग रहे थे। फिर तो ये बाबा जी खुद ही संत रामपाल जी महाराज को ढूंढते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में पहुंच गए।
जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और नाम लेकर के जो परमात्मा के मैं दर्शन करने के लिए गया, जब मेरी बारी आई तो मेरे पे आशीर्वाद नहीं दिया, मेरे सर पर उसने हाथ नहीं रखा, वो ऐसे निकल के चले गए। तो फिर एकदम मैं रोने लग गया। मैंने कहा कहे भगवान, आप जंगल में गए थे मेरे को लेने के लिए, आप मेरे को जंगल में से बुला करके जहाँ ले आए और जहाँ आपने मेरी बात भी नहीं सुनी, तो इतनी दूर से जब वो परमा संत रामपाल जी महाराज लौट के आए और लौट